गणगौर पूजन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन कुआरी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां शिवजी और पार्वती माता की पूजा करती हैं। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि और गणगौर से प्रतिवर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। तो आइए सुनते हैं गणगौर मैया की कहानी। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया। इतने में कुछ साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थाली में हल्दी और अक्षत लेकर भगवान गौरी शंकर का पूजन करने पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान प्राप्त करके लौट गईं। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी मैया के पास और भगवान शंकर की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने गौरा मैया से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो उन साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए, उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना हुआ रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी और सौभाग्यवती कहलाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी, जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से ही माथे पर तिलक लगाकर दो कण बालू का भोग लगा लिया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आईं, तो महादेव जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे सब कुछ जानते थे। अतः उन्होंने फिर से पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहां चली आ रही हूं। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लिए नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी अब दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपका पूजन किया हो तो इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर जाकर वे देखती हैं कि वहां उनके भाई भाभी और सारा मायके वाला परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी शंकर का भावभीना स्वागत किया और वे दो दिनों तक वहां रहे। और तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी।
ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी उनके पीछे पीछे चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम अर्थात पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। और पार्वती जी जाने के लिए तैयार हो गईं, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, स्वामी मैं किस योग्य हूँ, यह सब आप ही की लीला की कृपा है। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आदिशक्ति हैं, यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की सभी स्त्रियां आपका नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त कर लेती हैं और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाए गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी प्रकार गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु और सौभाग्य मिलेगा। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।